गुरु नानक कह रहे हैं अपनी गुरबाणी में, पूरे गुरु की पूरी जुगत हसंदिया खिलंदिया पिबंदिया विच्चे होवे भगत। हसंदिया का हंसना नहीं, हसने हसंदिया का मतलब हंसना नहीं, वहां पर हंसने की बात नहीं कही, वहां पर हंसने का प्रसन्न रहना, आत्माराम में चिंतन में डूबे रहना, अनुभूत करना। असंध्या खिलंध्या जो जीवन में श्वास ले रहे हो, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, श्रोतव्यो क्योंकि तव्यश्च स्मर्तव्यो। भागवत में सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते राजन श्रोतव्यो कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो, भगवतना मेरे कन्हैया का चिंतन करो। कृष्ण भूवाचिका शब्द ऋषि वाचिका त्रयोरेकं परब्रह्म गोविंद एव विधीयते। कृष्ण भूवाचिका शब्द जो आपके अंदर प्राणों का संचार करता है, आंखों में ज्योति का ज्योति शाम अभी तक ज्योति, आंखों में ज्योति का, क्योंकि वो जो डेड हो गया आपका चाचा मामा ताया दोस्त मम्मी बीबी हो गई, जो डेड हो गया उसकी आंखें क्यों नहीं देखती, आंखें तो है उसमें, क्यों नहीं? बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। मैं नहीं कह रहा, गुरुवाणी गुरु नानक कहते खुद, अरे वेद का मंत्र छोड़ दीजिए आप, आखा जीवा मिसरे मर जाओ, आखा जीवा खुली है तो जी रहे, आप बंद हो गई तो बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, आखा जीवा विसरे मर जावा, आखण औखा साचा नाम। मेरे कन्हैया का नाम मेरा बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, आखण औखा, गुरु नानक कहते औखा निकलता नहीं, उसे निकलता नहीं, आखण औखा आखा जीवा बिसरे मर जावा, उसको बिसर जाऊं, भूल जाऊं। बिसरने का मतलब भूल जाना। वो श्रीमद् भागवत में आया ना, द्रौपदी से पूछा क्या चाहिए, मतलब मैं जा रहा हूं कहां, द्वारका जा रहा हूं, तो द्रौपदी कहती है महाराज क्या क्या मांगूंगी, आप मेरे पास है और क्या चाहिए, आप ब्रह्मा, ब्रह्मा आपके नाभि कमल से पैदा हुआ, भगवान को उंगली करके कहती है, हे कृष्ण तेरे नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ, ब्रह्मा किसी सृष्टि में हूं मैं, तुम मेरे को बुआ कहते हो ना, तुम्हारे बताओ अभी यहां पर रथ पर खड़े हो और तुम बोलते मैं द्वारका जी जा रहा हूं, तुम्हारे नाभि कमल से ब्रह्मा पैदा हुआ कि नहीं हुआ बताओ पहले। आज तक तो शंकर शंकर ने कभी मेरे को आंख देख कर नहीं कहा, वहां पर वर्णन आता। मैं नहीं कह रहा, मधुसूदन सरस्वती जी जो श्रीमद् भागवत के टीकाकार हैं, महाराज बंगाल के बड़े राजा थे, आज से 700 साल पहले जब कन्हैया का व्रजे प्रसिद्ध नवनीत पर माखन चोर की त्रिलोकीनाथ माखन चोरने के लिए गोपी के घर में जा रहा है, और वो ब्रह्मंड का नायक जो कन्हैया है वो माखन चोरी करता है, तो बोलते नहीं माखन नहीं, माखन ये माखन नहीं, माखन में तीन शब्द है, क्या है, मां आंख और ना, मां आंख और ना, जिसके हृदय पर मेरे कन्हैया की आंख पड़ गई वो मां और ना, मां और ना, जिसके मन पर मेरे कन्हैया की आंख पड़ गई वो माखन चोर। आपके मन पर जब कन्हैया की आंख पड़ गई तो वो प्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, नवनीत आपका श्वास आता ना उसे कहते नव, रोज दिन देखो एक श्वास जो श्वास अंतिम हो गए बोलो हरि बोल, हरि बोल, अभी आपका अंतिम श्वास तो नहीं, बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, कुर्सी वाले बोलो आपका अंतिम श्वास तो नहीं है, हरि बोल, क्यों नहीं, मास्क लगा के बैठे हो सब लोग, हरि बोल, हरि बोल, अंतिम श्वास तो नहीं है, देखो 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 कुर्सी वाले बैठे हो, देखो
अंतिम श्वास पर नहीं है, बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, अंतिम श्वास पर नहीं है, हरि बोल, जो श्वास आया वो नवनीत है, नवनीत, मेरे नव का मतलब मेरा कन्हैया हमेशा नव रूप में श्वास के रूप में आता है, किसके रूप में आता है, श्वास, श्वास के रूप में, इसीलिए गुरु नानक का श्वास श्वास सिमरो गोविंद, गोविंद आता है श्वास पर आता है, गोविंद आता है श्वास पर आता है। मधुसूदन शशिक भागवत की टीका लिखते समय कहते हैं व्रजे प्रसिद्ध मनोनीत चोरम गोपांगना, वो गोपनी, वो गोपिनी ना आपके श्वासों को लेने के लिए आता है और देता है आपको, श्वास दे जाता है, पहले लेता है फिर दे जाता है, पंप अंदर मारता है फिर बाहर निकलता है, क्यों जी वो प्राणायाम करते ना, क्यों जी कसूरिया जी आप रोज करते एक्सरसाइज, क्या क्या नहीं तक पूरे कुंभक करते ना, क्या 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 बोलते उसको अंदर श्वास छोड़ते हो, ओ अनुम विलोम, नाड़ी छोड़, नाड़ी छोड़, नाड़ी छोड़, पहले छोड़, पहले निकाल, पहले अंदर करते हो फिर बाहर करते हो, अंदर की गंदगी हवा को बाहर निकालते हो, मैं नहीं कह रहा, गीता में मेरे कन्हैया ने कहा सर्वस्य चाहम सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में, हृदय में प्राणवायु ना जाए तो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, आप देखो अभी देखो, ध्यान करो, ध्यान का मतलब आप बंद करना नहीं, योगा नहीं, आप देखो श्वास जा रहा है कि नहीं, कन्हैया जा रहे हैं अंदर प्रवेश कर रहे हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय में कन्हैया प्रवेश कर रहा है, किसमें, गोविंद के रूप में, श्वास के, गोविंद का अर्थ श्वास के रूप में प्रवेश कर रहा है, प्राण के रूप में प्रवेश कर रहा है, श्वास प्रवेश किया तो हार्ट की बीट चलेगी, और श्वास प्रवेश नहीं किया तो आपकी चल रही है सबकी हार्ट बीट, बोलो चल रही है, चल रही है, श्योर, देखो देखो नहीं देखो, देखा नहीं, चल ऐसे बोले नहीं, देखने से पता लगेगा, जैसे बार बार चेहरे को देखते हो श्वास चल रहा है, देखते हो ना, बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, मैं नहीं कह रहा, मेरे कन्हैया कह रहा, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, निविष्टो अविष्ट हो जाता है, जैसे गुस्सा आता है ना आपको तो चेहरा कैसे लाल हो जाता है, हरि बोल, हरि बोल, आता ना गुस्सा, बोलो हरि बोल, हरि बोल, गुस्सा आता तो चेहरा लाल हो गया, ऐसे शरीर में प्रवेश किया प्राणों ने, गोविंद ने प्रवेश किया, श्वास ने प्रवेश किया, आप चमक गए और निकल गया तो श्वास निकल गए तो हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, वही चेहरा होता है, वही चेहरा जिसके मुंह पर चद्दर डाल देती, आपकी चद्दर तो नहीं पड़ी हुई अक्का, अक्का चद्दर तो नहीं किसके ऊपर पड़ी हुई, बोलो बोलो हरि बोल, हरि बोल, उसको उसके उसकी आंखों को बंद करते हैं, आपने अपने हाथ से बंद करते, डॉक्टर बंद करते जाते हैं, आप बंद करते हो कि अब इसकी आंख इसके इसको सारा इसके इसके प्यार की आंख से देखता है, क्या बात है, प्यार की नजर से नजर मिला ले, दो आंखें चार मिल गई तो प्यार हो गया, दो आंखें चार मिल गई तो दीदार हो गया, दो आंखें मिल गई तो दीदार हो गया, दो आंखें मिल गई तो बेदार हो गया, बोलो हरि बोल, हरि बोल, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, हृदय सन्निविष्टो, हृदय के अंदर प्रवेश करती है, श्वास के रूप में मेरा कन्हैया गोविंद के रूप में प्रवेश करता है, इसीलिए कहते गोविंद, गोविंद को बोलते बंसी वाले को नहीं बोलते आजा, नहीं श्वास को बोलते तू आता है तो मैं जी रहा हूं, और जब निकल जाता है तो हरि बोल, हरि बोल, आप जी रहे हैं, हां जी है पक्का, क्यों डर तो नहीं, डर रहे हैं डर के बोल रहे हैं, बता नहीं कहा पक्का, पार्टी में तो एंजॉय करके हा हा झुमका लगाते हो, भाई जोर से झुमका लगाते हो, पर यहाँ डर के क्यों बोलते हो, कन्हैया के सामने, कन्हैया सामने खड़े हैं, वो देख रहे हैं, वो हमारा हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू, इंटरव्यू का अर्थ क्या होता है, इंटर इंटर अंतकर्ण का व्यू ले रहे, व्यू अंतकर्ण का, बुद्धि का व्यू, चित्र का व्यू, प्राणों का व्यू, श्वासों का व्यू, खोपड़ी में बहुत कुछ भरा पड़ा है ना, खोपड़ी में सारा संसार भरा पड़ा है, जिसे कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, एक संत ने लिखा बड़ा अच्छा, चिंता हजारों लग रही सुतदार की परिवार की,
तृष्णा कभी घटती नहीं, भूख दुखाचार की पीछे लगे हैं चोर जो दिन रात ही लोगों को ठगे। राम कृष्ण गोविंद में मन बता कैसे लगे, कैसे पता लगे कि मेरा ठाकुर कितनी कृपा का था। बंगला मिल गया तो बोलते कृपा कर दी, अरे श्वास लिया तो कृपा नहीं कर रहा क्या, क्यों जी बुद्धि तो कृपा कर रहा है, चलने की शक्ति दे रहा तो कृपा कर रहा है, कितनी कृपा है इसकी। ध्यान का मतलब वो नहीं आंख बंद करना, बिल्कुल नहीं है ध्यान का मतलब। आप लोग रोज आरती में जो ध्यावे फल पावे, कौन सा फल, संतरा सेब हरी बोल बोलते माता बोलती केला मत केला केला सेब सेब फल पावे है तभी जावे, तभी जावे सारा दिन सेब देखते देखते जिंदगी मिल गई, मान केला देखते देखते जिंदगी मिल गया, केला खाओ आम खाओ। मैं नहीं कह रहा, गुरबानी कहती है चार पदार्थ जो कोई मांगे संत जना की सेवा लागे। हनुमान चालीसा में भी कहा श्री गुरु चरण सरोज निजमन मुख सुधार परनौ रघुवर बिर जोदा पैसा बुद्ध ही तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या जो हरौ कलेश विकार। उसका तात्पर्य है महाराज, फल का अर्थ यह है कि आपने इस इन श्वासों से इन प्राणों से उस इस बुद्धि में ठाकुर को बसा लिया है, और यदि संसार को बसाते हैं तो फंस जाते हैं, संसार को बसाया तो फंस गए उनके मोह के चक्कर में कहो, काम के चक्कर में कहो, क्रोध के चक्कर में कहो, लोभ के चक्कर में कहो, उनके चक्कर में फंस गए। यदि कन्हैया एक बार बस गया तो आपको इससे निकाल करके आनंद में डूब जाएगा। मैंने कल भी कहा था गुरु नानक देव कहते गुरुवाणी में आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। क्या सतगुरु तो कोई था ही नहीं, बताओ कोई है ही नहीं गुरुवाणी में, बताओ कोई भी बता के दे। मैं तो इतने गुरुद्वारों में कथा करता हूँ, मैंने पूछा कई 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 ग्रंथियों से पूछा गुरु नानक का गुरु कौन, बताओ बताओ कौन गुरु, वो छंद कौन गुरु, उन्होंने क्यों क्या सतगुरु पाया बताओ बताओ। अरदास करने जाते आप लोग, उसको पता ही नहीं अरदास क्या है, गुरु नानक खुद कह रहे हैं आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया। उनका सतगुरु तो था ही नहीं, सतगुरु का मतलब सतगुरु सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म आदि सच युग आदि सच है भी सच जो त्रिकारा तीनों कालों में सत्य रहने वाला गुरु युक्ति मिल गई आत्मा नाम के ध्यानी वो गुरु सतगुरु कन्हैया पिष्टम बंदे जगत गुरु वो गुरु कृष्ण भूवाच का शब्द मेरा कन्हैया का नाम कृष्ण भूवाच का शब्द आपके अंदर प्राणों के रूप में रहता है। क्या रहता है क्या रहता है प्राण है प्राण है आपके अंदर जी पक्का जी श्योर जी कॉन्फिडेंस से कह रहे हो नहीं होंगे तो हरि बोल बोलो बोलो हरि बोल हरि बोल। प्राणों के प्राण आत्म प्राप्रिया सर्वस्य चाम हृदि सन्निविष्टो बद्धा स्मृतिर ज्ञान मकोहनम च अर्जुन को कह रहे भगवान मैं तेरे अंदर प्राणों के रूप में रहता हूं श्वासों के रूप में रहता हूं बंसी वाले के रूप में नहीं। बंसी वाला तो एक सिंबल है। मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता। याद का उल्टा करो तो क्या होता है दया। याद का उल्टा तो याद करोगे तो दया होगी। याद करोगे तो दया होगी। मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है मेरे सबने मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन याद करता है मेरे मन मोहना
मेरा मन प्यारी मेरे मन मोहना तुझको मेरा मन प्यार करता है मेरे मन। हम सबको प्यार करते हैं पर कन्हैया जो आत्मानम चिर विजानिया धर्मात्मनि पुरुषा किमच्छन किससे कामाय शरीरम मन संचरित। शरीर में संचार मेरे कन्हैया का संचार, जैसे इसके अंदर करंट का संचार है, ये जो क्या कहते हैं एलईडी में है ना, तभी तो प्रकाश दे रहा। संचार ना हो तो प्रकाश देगा। आपके अंदर मेरे कन्हैया का प्यार भी है, दीदार, तभी तो श्वास दे रहा है आपको। बोलो हरि बोल, हरि बोल, बोलो हरि बोल, तभी तो दे रहा है। घड़ी जो घड़ी चलती हो वो ठीक है, और जो घड़ी बंद हो जाए तो बोलो हरि बोल, हरि बोल। बस यही बात। इसी गुरु नानक को कहना पड़ा, इसी वेद का मंत्र को, आखा जीवा विसरे मर जावा आखण औखा साचा नाम, साचे नाम की लागे भूख, साचे नाम की। आप अपने नाम के लिए लगे थे हर चीज में, अपना बैंक में नाम, क्रेडिट कार्ड में नाम, गाड़ी में नाम, पत्नी के साथ अपना नाम, उसके साथ अपना नाम, सबके साथ नाम जोड़ते हो। कन्हैया के साथ नाम जोड़ा कभी? हरि बोल, हरि बोल। मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, गुरु नानक कह रहे हैं, गुरबाणी में कह रहे हैं, साचे नाम की लागे भूख। हमको भूख है धन की, डॉलर की भूख है, $10 बिलियन हो जाए, एक दस $1 ट्रिलियन हो जाए, उसकी भूख है। भूखिया भूख ना उत्तरी, ये बनना पुनिया। हरि बोल, गुरु नानक कह रहे हैं, मैं वेद मंत्र पढ़ूंगा तो उसका अर्थ ना आपको समझ आएगा, तो बोलता जाऊंगा। श्री वहां पर गीता में भगवान इस बात को स्पष्ट करें, सर्व शिक्षा सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम गोहनम च वेदेश्च सर्वैः धामैव वेद्यो। वेदों का सार बोल रहा हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं। इसीलिए जब गीता का कोई भी अध्याय पूर्ण होता है ना, उसमें लिखा ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीता सूक्त सत इति तत् सत इति ओम तत् सत इति तत् तत् भी है। किसका? संसार का तत्व, परमात्म का तत्व, आपके जीवन का तत्व क्या है? क्या डॉक्टर बन जाना उसने तत्व कह दिया? साइंटिस्ट बन जाना वो तत्व नहीं है, वहां कह रहे ओम तत् सत, तत् भी उसमें सत भी, तत् सत इति श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् का अर्थ होता है, एक तो श्री लक्ष्मी का नाम है, एक श्री का मतलब आपके कल्याण करने वाले, आपका मोक्ष जिसको आप मांगते हो ना अंतिम में। मैं बोला अभी, बोला था आपको किसी का चौथा होता था क्या बोलते इसकी आत्मा को, बोलो कभी जीते जी बोला मेरी आत्मा को शांति मिले, बोलो मेरी आत्मा को शांति मिले, बोलो बोलो डरते क्यों अभी डरते, बोलो बोलो मेरी आत्मा को हरि बोल, बोलो बोलो कुर्सी वाले बोलो मेरी आत्मा को। अरे बात में पता नहीं, वो चाय पीने आएंगे सारे, जितने जितने लोग आएंगे आपके छोटे में सब चाय पीने और मिट्टी खाने आते, कोई बिस्कुट खाने आते, इतनी खाने उतनी ना उनको पता होता आत्मा कहां पता ही। हरि बोल, कब चाय पीने आने, टाइम देखते रहते, घड़ी का टाइम देखते रहते, पंडित जी कब मंत्र पूरा करें। हाँ यही होता है। मैं एक बार फंस गया, बताओ अनुभव, 2 मिनट की बात कह के समाप्त करूंगा। एक बार मैं वहां गुरुद्वारे में, गेटर क्लास का बड़ा गुरुद्वारा है पहाड़ी पर, वहां थोड़ा गुरबाणी जानते हैं, वहां किसी कोई चौथे में गए, वहां के वो बड़े डोनर थे, बहुत बड़े डोनर थे, मतलब हर महीने में 2, 5, 10, 15, 20 लाख देते थे। उनकी पता नहीं माता जी का इसका चाची का स्कूल था, बोले गुरु जी आपको आना। मैंने कहा भाई मैं चौथे होते भी नहीं जाता नहीं, मैं अब मुझे पता ही लगता है उसकी आत्मा का शांति करूँ तेरी आत्मा की शांति करने। मैंने उसको बोला, उसने फोन किया ना, मैंने कहा तेरी आत्मा की शांति करूँ उसकी आत्मा की शांति, वो बेचारा खुश, बोले गुरु जी कह रहे हैं। मैंने कहा जिसको तुमने जला दिया 10 मिनट लकड़ी में जलाया उसकी आत्मा है कहाँ? वो सुन रही है क्या? ईमेल आया तेरे को क्या? ईमेल आया क्या? बोलो ईमेल आया, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, हरि बोल। अरे अरे कौन सा, आप ईमेल में रहते हो, फोन में रहते हो, लैपटॉप में रहते हो, भाई ईमेल आया क्या? उसकी आत्मा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही।
कहां गई आत्मा? बोलो कहां गई? बोलो हरि बोल। मैंने कहा मैं मेरे को मत बुला भाई। मैंने कहा मैं गुरुद्वारे में कुछ ऐसा वैसा बोल दूंगा तो उनकी रोटी वोटी बंद हो जाएगी। फिर मैं पहुंच गया, गया उसने कहा नहीं गुरु जी आपको आना, चाहे आप 5 मिनट आप बोलना नहीं, केवल आके चले जाओ। फंस गया, क्या करूं? मैंने कहा अच्छा भी टिकट करा दे। तुम गया वहां तो वो बोल रहे थे विसर गई सब बता, उसको शब्द बोल रहे थे उनको। फिर मैंने उसी पर पढ़ा, गीता के साथ संबंध जोड़ा, बोला मैंने कहा गुरु नानक तो कहते एक कृष्णम सर्वदेवा। मैंने कहा तुम्हारी गुरुवाणी में कहा एक कृष्णम सर्वदेवा, देव देवात आत्मा, एक नहीं देव देवात आत्मा, एक कृष्णम सर्वदेवा देव देवात आत्मा, आत्मा वासुदेवस्य, आत्मा वास करा देव के रूप में, आत्मा वासुदेवस्य जेको जाने भे। गुरु नानक कहते जो इसको जानता है सोई निरंजन देव, निरंजन का मतलब परमात्मा ईश्वर भगवत ईशा वास में लघुसर हो। सोई निरंजन धन धन तु माता देव की जय, घृण मैया कमलापति, वो माँ धन्य है जिसने त्रिलोकी नाथ जो ब्रह्मा ब्रह्मा जिसकी नाभि कमल से पैदा हुआ। खाते ना भेस की सब्जी, खाते ना कमल कट्टे की सब्जी, खाते ना बड़ी लंबी लंबी होती है, क्यों जी खाते हो ना तुम, लंबी लंबी होता है भेस, वो उसकी उससे पैदा हुआ ब्रह्मा तो महाराज उसकी सृष्टि में हम लोग अरबों अरबों होकर अरबों खरबों हो रहे। आप सोचिए वो वहां पर गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं धन धन तु माता देव की जय, घृण मैया कमलापति, घृण मैया कमलापति को लक्ष्मी का लक्ष्मी नारायण भगवान कमलापति, पति का मतलब हस्बैंड, हस्कर बैंड बजवाने वाला। बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, बोलो हरि बोल, जो ना बोले हरि बोल उसका हरि बोल, उसी वाले बोलो जोर से हरि बोल, बोलो बोलो उसी वाले बोलो हरि बोल। धन तु माता देव की जय, घृण मैया कमलापति, धन धन मेघा रोमावली, मेघा कहते श्याम सुंदर को, मेघा रोमावली जब बादल घने आ जाते ना तो बादल में प्रकाश बिजली चमकती है, मेघा रोमावली मतलब बादलों का बादलों की बिजली मेरा कन्हैया वो है। धन धन मेघा रोमावली जब कृष्ण ओढ़े कामली, वो कन्हैया जब बाल को बिखेरता है ना, मेरा कन्हैया जब बाल यूं करता है अपने झूम, क्या बोलते वो क्या बोलते जुल्फे, जुल्फे करते ना कियो भी आपने जवानी में, तो जुल्फे दबा दबा शादी में जाते ना, जुल्फे दिखाते खूब झटके, फिशर विशर करवाते, क्या फिशर विशर करवा के जाते हो, काले को सफेद और सफेद को काले करके जाते हो। और मेरा कन्हैया भी करता है जब जुल्फे करता है, मैं नहीं कह रहा गुरु नानक कह रहे हैं, बोलते मैं समाधि में बैठ के कह रहा हूँ, मैं समाधि में हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा कन्हैया क्या करता है। धंधन मेघा रोमावली, रोम कहते बालों को, जब भगवान छिड़कते हैं बाल को तो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश होता है। कृष्ण ओढ़े कामली कमल नयन, मेरे कन्हैया के नाम कैसे कमल नयन, श्री कमल नयन, श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिर धरम, मेरे कन्हैया के नेत्र कैसे श्री कमल नेत्र कटि पीतांबर अधर मुरली गिर धरम। मेरा कन्हैया क्या है, एक उंगली में 7 वर्ष की अवस्था में गोवर्धन को उठाता है। गुरु नानक कह रहे मैंने कहा, वो बोले महाराज आपने मेरे उठी गुरु भाई, वो कान में आकर मेरे को कहता है महाराज हमारी रोटी मत बंद करो, हमको ये लोग बाहर निकाल दे। मैंने कहा मैं कसा बंद करके जा रहा हूँ तेरी फ्लाइट तो मैंने कहा मैं आत्मा की शांति की बात क्या करूं, मेरी आत्मा की शांति नहीं हुई, तेरी की आत्मा की शांति का भी बात करूं, बोलो मेरी आत्मा को शांति, बोलो 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 जीते जी बोलो, मेरी आत्मा को शांति मिली।